क्वेश्चन क्या हुआ, टू पार्टिकल्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी टू वी एंड वी रिस्पेक्टिवली, एक मास दोनों आइडेंटिकल दिए हैं एम, दोनों का मास क्या है सेम है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये टू की वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये वी की वेलोसिटी से इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दिए, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या होती है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन टोटल मास, इसके बराबर होती है, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास इसका एम है, वेलोसिटी इसकी टू वी है प्लस इसका भी मास एम है पर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अपॉन टोटल मास एम प्लस है, ऊपर तो क्या आ जाएगा एम वी आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा टू एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी वी बाई टू होगी, आंसर चॉइस क्या होगी सी होगी। पहले वाले क्वेश्चन में जो आई आई टी में हुआ था उसमें कोई मास नहीं दिए हुए थे, इसमें मास दिए हुए आइडेंटिकल है, दोनों के मास इक्वल हैं ये दिया हुआ है, और ये इसकी अब की बार कोई फोर्स की, पहले वो रेस्ट पे थे किसी इंटरनल फोर्स की वजह से उनकी स्पीड है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ये दिया हुआ कि आइडेंटिकल पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी दी हुई है और दोनों पोच इनकी डायरेक्शन भी दी हुई है, वहाँ पे डायरेक्शन नहीं दी हुई थी कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास बता नहीं है, तो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है।